साइंस थिंक एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि हम आज विज्ञान विषय के बारे में चर्चा करेंगे, विज्ञान का पेपर हमारे पास मौजूद है। इसको पेपर हाई स्कूल परीक्षा बोर्ड परीक्षा में कैसे इसको हल करते हैं, हम एक बोर्ड कॉपी जो डुप्लीकेट है इसको हम आपके सामने ला के रखे हैं और इसी में हम प्रश्न को हल करेंगे। बोर्ड कॉपी जब आपको मिलेगी तो उसके साथ एक OMR शीट भी रहेगी, जो क्वेश्चन में आपको 20 नंबर के OMR क्वेश्चन दिए जाएंगे, हम इसको भी हल करके यहाँ पे बताने की कोशिश करते हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोर्ड कॉपी पर जब हमको मिलेगी सबसे पहले हम उसका इंट्रक्शन पढ़ लेंगे। यहाँ पे इंट्रक्शन तमाम लिखा हुआ है, इसको पहले हम पढ़ लेंगे। वो पढ़ने के बाद हमारे पास प्रवेश पत्र होगा, प्रवेश पत्र में देखेंगे हमारा अनुक्रमांक कितना है। हम अनुक्रमांक को यहाँ लिख लेते हैं, जैसा कि हमने लिख दिया है यहाँ अनुक्रमांक अंकों में लिखना है। फिर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में है, फिर हम शब्दों में लिख लेते हैं। शब्दों में लिखेंगे अगर 1, 2, 3, 4, 5 करके इस तरह लिखते हैं ये भी सही है, और अगर लाख में करोड़ में आता है वैसे लिखेंगे तब भी सही है। सबसे आसान तरीका है कि जो यहाँ पे अंक लिखे गए हैं वही अंक नीचे उसी तरह गिनती में आपको लिख देने हैं, अक्षरों में लिख देने हैं। फिर उसके बाद आएगा विषय और प्रश्न पत्र व संकेतांक। तो देखिए विषय क्या है, हम आज जो पेपर हल करेंगे वो विज्ञान का पेपर है, और विज्ञान में हाई स्कूल में केवल एक पेपर होते हैं, तो इस वजह से यहाँ विषय में हम विज्ञान लिख दिए हैं और प्रश्न पत्र में केवल लिख देंगे। और प्रश्न पत्र में अंकित संकेतांक जो प्रश्न पत्र है इसमें जो संकेतांक दिए गए हैं वो यक्स जेड दिए गए हैं, यक्स जेड इसको OMR में और कॉपी में दोनों जगह भरना रहेगा। तो हम यहाँ इस कॉपी में इसको भर देते हैं। उसके बाद परीक्षा किस दिन होती है वो भरना है, परीक्षा तिथि एवं पाली भी भरना है। परीक्षा तिथि 30/1/2023 को, अब पाली भी यहाँ लिख देते हैं, पाली मान लीजिए प्रथम है तो इसको हम प्रथम पाली यहाँ डाल लेंगे। फिर उसके बाद केंद्र का क्या नाम है, तो केंद्र का नाम हम लिया, मान लीजिए केंद्र फतेह मोहम्मद मेमोरियल इंटर कॉलेज जहांगीरगंज में आया है तो वहाँ पे हम फतेह मोहम्मद मेमोरियल इंटर कॉलेज लिख देते हैं। फिर ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद ये जो कॉलम दिए गए हैं इतना ये आपको नहीं करना है, ये जो कॉपी जांचते हैं उन टीचरों के लिए है जो आपके अंदर मार्किंग करेंगे और यहाँ पे नंबर चढ़ाएंगे। मान लीजिए पहले क्वेश्चन में कितना मिला, दूसरे क्वेश्चन में या दसवें क्वेश्चन में कितने मिला, यहाँ मार्किंग चढ़ा के यहाँ पे टोटल करेंगे। ये आपका काम नहीं, ये एग्जामिनर का काम है। तो इसमें सबसे पहले जो प्रश्न पत्र में है उसको पहले हम इंट्रक्शन को पढ़ लेते हैं, और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए ये जो है परीक्षा बोर्ड परीक्षा 2023 ये अभ्यास प्रश्न पत्र है, इसको हम वायरल प्रश्न पत्र भी कह सकते हैं। इसमें तमाम क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है जो परीक्षा के दृष्टि बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो देखो विज्ञान है, यहाँ केवल प्रश्न पत्र दिया है, कक्षा 10 का पेपर है। तो इसमें जो संकेतांक है देखिए यक्स और जेड लिखा हुआ है, तो ये समय जो है 3 घंटे 15 मिनट का है, पूर्णांक जो है ये 70 का है, ठीक ना। तो निर्देश में दिया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। फिर सामान्य निर्देश में है कि खंड आ में प्रश्न पत्र प्रश्न जो बहुविकल्पी है जिसमें 4 उत्तर विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका, तो उत्तर पुस्तिका नहीं यहाँ OMR में करना होगा, OMR में करने होंगे जो 20 नंबर के होंगे। और खंड ब जो है ये वर्णात्मक होगा, मतलब लिखने वाला होगा। तो प्रत्येक खंड 3 उपखंडों में बांटा गया है, का खा गा, सबसे पहले भौतिक विज्ञान रहेगा, फिर रसायन विज्ञान रहेगा, फिर जो है जीव विज्ञान रहेगा, फिर तीसरा है प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है, प्रत्येक खंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए, जो नया खंड आ जाए और नए पृष्ठ शुरू करेंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए गए हैं, आवश्यकता अनुसार उत्तर पुस्तिका पर स्वच्छ नामांकित चित्र और समीकरण का उपयोग कीजिए। तो इस प्रश्न में खंड आ और खंड बा दिए जाएंगे, खंड आ जो 20 नंबर के है वो OMR शीट पर करने होंगे। ये OMR शीट कॉपी के साथ आपको मिल चुकी है जो यहाँ पे ये मौजूद है। तो हम सबसे पहले OMR पे क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, जिस तरह हम करेंगे उसी तरह आपको बोर्ड में करना होगा। हम समझ लीजिए बोर्ड की प्रैक्टिस भी करा रहे हैं और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी बता रहे हैं। इतना याद रखिए कि इसमें से लगभग 50% क्वेश्चन तो लगभग फंस ही जाएगा, जैसा कि हमको उम्मीद है सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। तो देखिए बहुविकल्पी प्रश्न है, सबसे पहला जो प्रश्न है कि प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है, तो पहला है बैंगनी रंग का, हरे रंग का, पीले रंग का, लाल रंग का। तो ये जो पहले का उत्तर है
ये बैगनी रंग का, तो पहले का ए उत्तर है, उसमें ए बी सी डी करके दिया रहेगा, ये मॉडल में एक दो रोमन अंक में लिखा है, उसमें ए बी सी डी करके दिया रहेगा। तो मान लीजिए पहला ये ए है, तो हम ए पर जो है यहाँ पे निशान लगा देते हैं। फिर उससे पहले, सबसे पहले हम ओ एम आर को भर लेते हैं, जैसा कि हम दूसरे वीडियो में बता चुके हैं, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। बहरहाल फिर से हम एक बार बता दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप अंबेडकर नगर पे हैं, तो यहाँ पे अंबेडकर नगर भर देंगे, और जो भी केंद्र का कोड होगा वहाँ ये डाल देंगे, अनुक्रमांक जो आपका होगा वो डाल देंगे, विषय जो होगा वो डाल देंगे, और विषय डाल देंगे, प्रश्नपत्र जो संख्या होगा वो डाल देंगे, और प्रश्नपत्र में जो ये संकेतांक दिए हुए हैं, प्रश्नपत्र में सीरीज मार्का, यहाँ पे हमारा जो सीरीज मार्का है यक्स जेड है, तो सबसे पहले हम यक्स जेड यहाँ भर लेते हैं। देखिए एक के दो चीज़ भरना है इसमें, ये पूरा भरना है, फिर गोला दो एक के दो करना है। तो देखिए यहाँ पे हम यक्स और जेड डाल लेते हैं। अब इसके नीचे वाला जो होगा, जैसे यक्स है तो यक्स में इसको हम गोला कर देंगे, और गोला खूब अच्छे तरीके से करेंगे, हम इसको एक बार बता चुके हैं, अगर वीडियो नहीं देखें जाके देख लेना। फिर इसमें जेड है तो जेड देखिए कहाँ है, जेड यहाँ है, जिसको हम गोला कर देंगे। ये इतना अवश्य कर दीजिएगा क्योंकि इसी पर मार्किंग है, हम बार बार बता रहे हैं कि पेपर 7 तरह के बनते हैं। ये आपको पेपर मिल गया है यक्स जेड का, यक्स जेड अगर डालेंगे तो वही एक्सेप्ट करेगा, अगर यहाँ कुछ डाल देंगे तो एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो 20 नंबर आपका पूरा पूरा चला जाएगा। अब हम भर लिए हैं, यहाँ पे जो परीक्षार्थी के हस्ताक्षर है परीक्षा के हस्ताक्षर कर देंगे, फिर आपको कुछ करना नहीं है। ठीक, उसके बाद जब हम भर लेते हैं, दूसरा राउंड नीचे है उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो देखिए पहला है कि पहले का ए वाला सही है, तो हम पहले का ए वाले पर इस तरह हम गोला कर देते हैं, हम इस तरह से रख लेते हैं, अब इसको जल्दी जल्दी हमको करना रहेगा, तो हम ए पर ये गोला कर लेते हैं, इसको हम गोलिया देंगे, ये खूब अच्छे तरह गोलिया देंगे, अगर कट पिट करेंगे तो मार्किंग नहीं होगी। दूसरा क्वेश्चन है कि किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनता है। पहला है उत्तल, दूसरा है अवतल, तीसरा है समतल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पहले दूसरे का पहला सही होगा उत्तल, हम यहाँ पर वर्णन नहीं करेंगे, हमको पेपर हल करके दिखाना है, हम जल्दी जल्दी पेपर को हल करते हैं। तो इसमें दूसरे का पहला सही है, तो हम दूसरे का पहले पे ए पर हम गोला कर देते हैं। ये दो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, गोला खूब अच्छा तरह से करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है एक गोली दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता आर में अभीर संबंध होगा, तो R = f/2, R = 2f, R = f, R = 4f, तो इसको सही उत्तर है ये दूसरा है, मतलब बी वाला है। तो इस वजह से हम दूसरे के बी पर यहाँ पे तीसरे के बी पर हम निशान लगा देंगे, तो तीसरे का बी कहाँ है, तो देखिए तीसरे का बी है, इस पर हम जो है गोला कर देते हैं, खूब अच्छी तरह से गोला कर देंगे। चौथा सवाल है स्वास्थ्य आंख का निकटतम बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, अनंत। तो जो स्वास्थ्य आंख का निकट बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर है, ये पहला है, तो पहला हम गोला कर देते हैं। इस तरह से पांचवा सवाल देखते हैं, पांचवा सवाल इसमें है कि किसी विद्युत बल्ब का अनुमानतांक 220 वोल्ट और 100 वाट है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी। तो इसको अगर हल करेंगे तो इसमें 25 वाट आएगा, तो हम 25 वाट पर निशान लेंगे, तो पचवें का डी सही है, तो पचवें का डी पर गोला कर देते हैं। इस तरह से हम गोला कर देंगे। अब अगला सवाल है छठवां, ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ होगा, तो इसका सीधा उत्तर है सरल रेखा, हम तुरंत ए पर निशान लगा देते हैं, छठवां के ए सरल रेखा, हम इसका डिस्क्राइब नहीं करेंगे क्योंकि अभी समय लग जाएगा और भी हमको बताना है। तो सातवां है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान है, तो पहला है बहुत कम हो जाता है, दूसरा है परिवर्तित नहीं होता, और तीसरा है बहुत अधिक बढ़ जाता है, और चौथा निरंतर परिवर्तित होता है। तो इस तरह सातवां का तीसरा सही है, तो सातवां के तीसरा का गोला हम यहाँ पे भर देते हैं। अब ये फिजिक्स का ये पूरा हो गया, अब देखिए खंड खा में है बहुविकल्पी प्रश्न में, ये केमिस्ट्री आ गया। तो ये आठवां है शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, तो 8 का सी सही है, तो हम 8 के सी पर गोला कर देते हैं। इस तरह से अब नवा क्वेश्चन है, नवा क्वेश्चन है कि श्याम सुवेश फोटोग्राफ में प्रयुक्त होता है,
तो इसका सीधा उत्तर है AgCl, सिल्वर क्लोराइड। तो नौवे का ए सही है, तो नौवे के ए पर हम यहाँ पे गोला कर देते हैं, ये गोला हो गया। इस तरह से दसवां क्वेश्चन है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जली विलयन होता है, नहीं दसवां एथिल एल्कोहल का IUPC नेम है, तो एथिल एल्कोहल तो एथेनॉल होगा, एल्कोहल है और लगेगा तो एथेनॉल, तो 10 का तीसरा सही हो जाएगा। इस 10 का सी वाले पर निशान लगा देंगे। इस तरह से ग्यारहवां क्वेश्चन है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जली विलयन होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड का जली विलयन अम्लीय होता है, तो हम 11 के ए वाले पे निशान लगा देंगे, ये 11 के ए है, हम इस पर गोला को भर देते हैं। फिर बारहवां क्वेश्चन चलते हैं जल्दी जल्दी, क्षारीय मृदा धातुएं हैं, तो क्षारीय मृदा धातुएं जो है ये बेरियम मैग्नीम कैल्शियम में नहीं होगा, बेरियम एल्युमिनियम गैलियम में भी नहीं होगा, और लिथियम सोडियम पोटेशियम यही होना चाहिए, कॉपर सिल्वर, हाँ ये दूसरा लिथियम सोडियम पोटेशियम, तो ये 12 का बी सही है, तो 12 के बी वाले पर हम गोला भर देते हैं, ये 12 का बी हो गया। इस तरह से अगला क्वेश्चन है 13वां, नियान है, नियान क्या है, क्षार धातु है, उपधातु है, संक्रमण धातु, अक्रिय गैस है, इसको निष्क्रिय गैस कहते हैं, ये हैलोजन ग्रुप में आते हैं, तो ये क्या है, अक्रिय गैस, अक्रिय गैस ये नियान है, तो नियान वाले पे हम 13 का सेकंड पे मतलब 13 का बी सही है, तो 13 का बी वाला पे हम गोला ये कर देते हैं। अब देखो इसके बाद बायोलॉजी आ जाएगा, बायोलॉजी में देखो 14वां क्वेश्चन है कि पौधे में पत्तियों तक जल तथा खनिज लवण स्थानांतरित होते हैं, किसके द्वारा, फ्लोएम द्वारा, जाइलम द्वारा, मज्जा द्वारा, बल्क द्वारा, नहीं जाइलम द्वारा, हमेशा जल और खनिज लवण जाइलम द्वारा होते हैं, तो 14 का बी वाला सही है, तो 14 के बी को हम गोला ये भर देते हैं। अगला क्वेश्चन है 15वां, ATP तथा NADP2H का निर्माण होता है माइटोकांड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, पराक्सिसोम में, लाइसोसोम में, तो माइटोकांड्रियम होता है, तो 15 का ए सही है, तो 15 के ए पर हम गोला भर देते हैं। इस तरह से हम 16वें क्वेश्चन पर चलते हैं, 16वें क्वेश्चन है कि निम्न में कौन मानव मादा जनन तंत्र भाग नहीं है, तो देखिए अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिनी, डिम्बवाहिनी, तो अंडाशय, गर्भाशय, डिम्बवाहिनी ये मादा जनन तंत्र हैं, और पूछा है नहीं है, तो शुक्रवाहिनी ये नर के अंदर होती है, तो इस वजह से ये सी सही हो जाएगा, तो 16 का सी, तो 16 का सी वाले को गोला हम कर देते हैं। अब 17वां क्वेश्चन है कि निषेचन के पश्चात पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है, आप परिभाषा पढ़े, पके हुए अंडाशय को फल कहते हैं, तो यह अंडाशय लिखा हुआ है, तो 17 का सी सही है, तो 17 के सी पर हम निशान लगा देंगे। ये देखिए आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सब हैं, ये सवाल पूछे जाएंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। 18वां है एक द्वि संकर का 10 प्रारूप, तो एक संकर द्वि संकर, तो द्वि संकर में हमेशा 3:9, 3:1, मतलब 18 का सी सही है, तो 18 के सी पे हम गोला कर देते हैं, 18 का सी ये गोला हो गया। अब 19वां क्वेश्चन है जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, तो जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत देखिए जल, विद्युत, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नहीं ये पेट्रोलियम जो है जीवाश्म ईंधन है, तो 19 का सी, तो 19 के सी पर गोला भर देते हैं, ये 19 का सी है, 19 के सी पर गोला भर देते हैं, ये देखिए 19 का सी ये सही हो गया, क्या है, पेट्रोलियम है, जीवाश्म ईंधन का स्रोत पेट्रोलियम है। 20वां क्वेश्चन है जल संग्रह की कुल तकनीक प्रचलित है, इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल में, तो इसमें होना चाहिए हिमाचल प्रदेश में, तो 20 का डी सही है, तो डी पर हम निशान लगा देंगे, डी पर जो है निशान हमने लगा दिया। अब देखिए ओ या मार्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई, लेकिन ये चीज नीचे दिया हुआ है, ये देखिए ये आपको नहीं करने हैं, जब कला का दिन होगा तब ये सब भरना रहेगा, ये आपको करने नहीं है। अब देखिए ये जो एक नीचे एक खाना और दिया गया है, तो इसमें देखिए क्या है कि जो आप ऊपर भरे हैं वही चीज़ यहाँ भरना है। मान लीजिए कि ये ओ या मार्कशीट कंप्यूटर नहीं पकड़ रहा है, तो इसी से मार्किंग हो जाएगी, तो देखिए ऊपर है पहला का ए सही है, तो हम पहले के ए पर निशान लगा देंगे, दूसरा का ए सही है, ए लिख देंगे, तीसरा का सी सही है, सी लिख देंगे, चौथे का ए सही है, ए लिख देंगे,
पांचवे का डी सही है, डी लिख देंगे। छठवें का ए सही है, ए लिख देंगे। सातवें का सी सही है, सी लिख देंगे। आठवें का सी सही है तो सी लिख देंगे। फिर नौवें का ए सही है, ए लिख देंगे। और दसवें का सी सही है, यहाँ पे सी लिख देंगे। इस तरह इसमें आएंगे कि इसमें जो है 11 का ए सही है तो 11 का यहाँ ए लिख देंगे। 12 का बी सही है तो बी लिख देंगे। 13 का बी सही है तो फिर बी लिख देंगे। 14 का बी सही है फिर बी लिख देंगे। 15 का ए सही है तो ए लिख देंगे। और 16 का सी सही है तो सी लिख देंगे। 17 का सी सही है, सी लिख देंगे। 18 का सी सही है तो सी लिख देंगे। 19 का सी सही है तो सी लिख देंगे। 20 का डी सही है, डी लिख देंगे। इतना हम इसको ज़रूर भर लेंगे। और जो ये भरना रहेगा, जो ऊपर भरे हुई देख के नीचे भी यहाँ से भर देना है। अम्बेडकर नगर पर केंद्र कोड जो है, फिर अनुक्रमांक है, विषय है, ये सब लिख दिए। यहाँ पे केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लग जाएगी। और जो ये यक्स जेड लिखा है, यहाँ भी आपको भरना है तो यहाँ पे यक्स और जेड आप ज़रूर डाल दीजिएगा। और यहाँ पे गुलियाना नहीं है, बस ये आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ हस्ताक्षर कर दीजिएगा, आप अपना हस्ताक्षर कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैं हस्ताक्षर कर दे रहा हूँ, ये हमारा हस्ताक्षर हो गए। यहाँ का कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर, ये आपका कंप्लीट है। यहाँ भी हस्ताक्षर कर दीजिएगा, ये आपका यहाँ पे मोहर लग जाएगी, यहाँ भी मोहर लग जाएगी, ये आपका कंप्लीट। इसको किनारे आप रख दीजिएगा। अब आइए, ये तो खंड आ पूरा तैयार हो गया, 20 नंबर का ये तैयार हो गया। अब खंड बा में आइए, खंड बा में आएंगे। देखिए खंड बा में, अब पहला खंड बा में भी तीन उपखंड बन गए हैं, का खा गा। का पहले भौतिक विज्ञान पर करेंगे, खा रसायन विज्ञान करेंगे, फिर गा जो है वो जीव विज्ञान होगा। तो का वाला पहले करते हैं। तो पहला है, किसी चालक के प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, यह किन कारकों पर निर्भर करता है। तो हमने पहले से हल करके कॉपी में दिखा दिया है, अब चलिए उसको हम हल करते हैं। देखिए ये बोर्ड कॉपी है, बोर्ड में आपको इसी तरह लिखना है, साफ साफ इसी तरह लिखना है। अगर थोड़ा सा गड़बड़ लिखेंगे, पढ़ने में दिक्कत होगी, तो एग्जामिनर उसको काट सकते हैं, आपका नुकसान हो जाएगा। साफ साफ लिखिएगा। तो देखिए इसमें पहले की जो उत्तर है, तो हम पहले डाल देंगे खंड बा, फिर खंड उपखंड का, प्रश्न उत्तर एक, चालक का प्रतिरोध। तो चालक का प्रतिरोध की खाली परिभाषा देंगे, जितना पूछेगा उतने हम लिखेंगे। तो इसमें है देखो, चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का वह गुण जो चालक में प्रवाहित धारा का विरोध करता है, चालक का प्रतिरोध कहलाता है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। अब एक सवाल आगे और पूछा है, क्या है कि प्रतिरोध निम्न कारण पर निर्भर करता है। तो पहला है, चालक के लंबाई में समानुपाती होता है, अर्थात आर एल। दूसरा है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात आर बराबर 1/a। तीसरा है, ताप वृद्धि पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। ये एक क्वेश्चन आपका पूरा हो गया, चार नंबर है का, तो चार नंबर पूरा मिल जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका कारण बताइए, इस दोष के निवारण करने का सचित्र वर्णन कीजिए, आँख की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है। इसमें देखो चार सवाल दिया है, चारों सब एक एक नंबर के है। सबसे पहले निकट दृष्टि दोष क्या है, हम निकट दृष्टि दोष के बारे में लिख देंगे। है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को पास की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई नहीं देती, अर्थात नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर न होकर कम दूरी पाया जाता है, इसी को निकट दृष्टि दोष कहेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि इसके कारण क्या है, तो दोष के कारण, तो दोष के कारण देखो, निकट दृष्टि दोष के दो कारण हो सकते हैं। पहला, नेत्र लेंस की उकरता बढ़ जाएगी, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी। दूसरा, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, अर्थात नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद पूछा है कि इस दोष के निवारण का सचित्र वर्णन कीजिए, इस दोष के निवारण का सचित्र वर्णन कीजिए। तो हमने देखो चित्र यहाँ बना दिया है, आप इसको जूम करके देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए साफ साफ यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहे हैं। फिर उसके बाद दोष निवारण, फिर पूछा दोष निवारण क्या है, कैसे हम दूर करेंगे। तो दोष निवारण देखिए यहाँ पर हमने लिख दिए हैं,
कि दोष निवारण में इस दोष को दूर करने के लिए एक लेंस ऐसे अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं जिससे कि दूर स्थित या अनंत वस्तुओं से चलने वाली किरणें इस लेंस से निकलने पर नेत्र के दूर बिंदु यप से चली हुई प्रतीत हो, तब यह किरण नेत्र में अपरिवर्तित होकर रेटिना पर मिलाती है जिससे दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है तथा आपको वस्तु अस्पष्ट दिखाई देने लगती है। इस प्रकार इस दोष का निवारण हो जाता है। प्रयुक्त अवतल लेंस की फोकस दूरी दोषयुक्त आंख के दूरस्थ बिंदु की दूरी के बराबर होनी चाहिए। तो जैसा कि हम पढ़ा, यहाँ देखिए है, ये अवतल लेंस रख दिए गए हैं और जब यहाँ पे किरण देखी गई तो ये इसका प्रतिबिंब ठीक जस्ट यहाँ रेटिना बन रहे हैं और यहाँ पे जब साफ साफ बने तो हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक मोमबत्ती किसी पर्दे से 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। 20 सेंटीमीटर दूरी का एक उत्तल लेंस मोमबत्ती और पर्दे के बीच कहाँ रखें कि मोमबत्ती का वास्तविक तथा छोटा प्रतिबिंब पर्दे पर बन जाए। तो इसको देखो हमने हल किया है, ये देखिए ये हल हमने कर दिया है। क्वेश्चन नंबर तीन ये हल कर दिया गया है। यहाँ पे देखो बताए गए हैं कि मान लिया उत्तल लेंस को मोमबत्ती से 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। यहाँ पे चित्र बने हुए हैं, ये उत्तल लेंस है, 1 सेंटीमीटर दूरी पर मोमबत्ती को हम रख दिए हैं और इधर से ये पर्दा है। अब मोमबत्ती से पर्दे के बीच की दूरी 90 सेंटीमीटर है तो इसको 90 माइनस एक्स कर देंगे, इस तरह से चित्र बना लेंगे और हल कर देंगे। तो यू बराबर माइनस एक्स, वी बराबर प्लस 90 माइनस 1 सेंटीमीटर और यह बराबर 20 सेंटीमीटर जैसा कि पेपर में दिए गए हैं। अतः सूत्र लगेगा कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f से। अब हम कर दे, वी का मान दिया गया है तो v का मान ये है, तो देखिए v का मान यहाँ दिया गया है तो 1/90 माइनस x और माइनस 1/x हमको यही ज्ञात करना है, 1/20। तो देखिए इसको हल कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसमें हम ये इस तरह से हल कर देंगे और ये चीज़ हमको मिल जाएगी। फिर उसके बाद इसको जब और तोड़ेंगे तो इस तरह से 90 माइनस एक्स का स्क्वायर यहाँ गुणा हो जाएगा, ठीक, और बराबर 1/20। फिर उसके बाद 90x माइनस x2 यहाँ त्रिक गुणे हो जाएंगे, 90 × 20। अब एक्स का स्क्वायर माइनस 90 प्लस ये गुणा करके हमने यहाँ 1800 लिख लिया बराबर 0। अब इसको द्विपदी खंड द्वारा मतलब x माइनस 60x माइनस 30x प्लस 800 बराबर 0, इस तरह से हम एक ब्रैकेट में कर लेंगे, 100 कॉमन लेंगे या 30 को कॉमन लेंगे तो x फिर ब्रैकेट में x माइनस 60 माइनस 30 को अलग कर लेंगे तो 30 अलग हो जाएगा तो x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। फिर इसको हम अलग कर लेंगे, x माइनस 30 अलग में और x माइनस 60 अलग बराबर 0 और इस तरह से हल करके x माइनस 60 इक्वल 0, x बराबर 60 सेंटीमीटर और यदि x माइनस 30 है तो x बराबर 30 सेंटीमीटर तो u बराबर माइनस 60 सेंटीमीटर तो u बराबर माइनस 30 सेंटीमीटर उत्तर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। ये हल कर लेंगे, ठीक ना, इस तरह से आपको ये 4 नंबर मिल जाएंगे। फिर जो है चौथा सवाल है कि नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र सिद्धांत तथा क्रियाविधि स्पष्ट कीजिए, इसमें बूसों का क्या कार्य है। अथवा दिया हुआ है, अथवा में है कि दो बल्बों जिनमें एक 100 वाट 220 वोल्ट तथा दूसरे 60 वाट 220 वोल्ट लिखा है को एक 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन में समानांतर क्रम में जोड़ा गया, सप्लाई से निर्गत धारा की गणना कीजिए। तो देखिए चाहे ए वाला कीजिए चाहे ए वाला कीजिए, अथवा दिया तो एक के करना है तो हम नीचे वाला करते हैं, न्यूमेरिकल ये आसानी है, अगर आता है न्यूमेरिकल करिएगा, इस पर पूरा नंबर आपको मिल जाएंगे। तो देखो न्यूमेरिकल हम करने की कोशिश करते हैं, ये चौथा सवाल है ना। तो देखो प्रथम बल्ब के लिए R1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान पी और दूसरे बल्ब के लिए R2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान पी। तो देखिए इसका मान सब दिए गए हैं, तो V का मान दिया गया 220 और स्क्वायर है तो 220 गुणे 220 और P का मान भी दिया गया है 100। निकाल लेंगे, इसको निकालेंगे तो 484 ओम आएंगे।
दूसरे पद के लिए इसी तरह 220 गुणे 220, लेकिन इसमें जो पी दिया है वो 60 दिया है। इसमें हम काटे पीटेंगे, 806.6 ओम आएगा। अब तुल्य प्रतिरोध हम इस तरह R=R1 × R2/R1+R2 निकाल के जो यहाँ मान आया है उसको हम यहाँ पर रख देंगे, इसको हल करेंगे, 302.5 ओम आएंगे। फिर अतः सप्लाई लाइन में निर्गत धारा पूछी गई है, कहाँ सप्लाई लाइन में, तो सप्लाई लाइन में निर्गत धारा का जो सूत्र होता है I=V/R, तो हमको V भी मिल गया है, R भी मिल गया है, तो V तो हमारा दिया हुआ है, तो V 220 बटा में 302, ये R हमको जो यहाँ से मिले हैं करके हम काट देंगे, जो यहाँ पे उत्तर आएगा 0.727 एम्पियर आएंगे। तो इस तरह से उत्तर हम लिख देंगे 0.727 एम्पियर। इस तरह से ये खंड का जो भौतिक विज्ञान वाला था ये पूरा हो गया। अब खंड का में आपको हल करना है, तो खंड का में देखिए कि पांचवा क्वेश्चन कि साबुन क्या है। मिशेल की अवधारणा के आधार पर साबुन की सफाई प्रक्रिया क्या है, समझाइए। तो हम पहले साबुन की परिभाषा लिख देंगे, उसके बाद जो अवधारणा है वो लिख देंगे। तो देखिए हमने ये कॉपी में लिख दिया है, बोर्ड में आपको इसी तरह साफ साफ लिखना होगा। ये साबुन है, तो साबुन की परिभाषा क्या है, उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। यहाँ सोडियम H2O8 है, C17H35COONA, ये एक नंबर का ये पूरा हो गया। साबुन 1+3 दिया है तो एक नंबर पूरा हो गया। अब मिशेल की अवधारणा, तो मिशेल की अवधारणा यहाँ पे जो अवधारणा है उसको हम यहाँ पे दर्शा देते हैं, लिख देते हैं। तो देखिए सफाई करने की क्रिया क्या विधि है, तो साबुन को जल में घोलने पर RCO निगेटिव तथा सोडियम आयन पोटेशियम आयन में आयनित हो जाते हैं। मतलब इसको जब घोलेंगे तो सोडियम आयन पोटेशियम में आयनित हो जाएंगे और ये इसके दो भाग बनेंगे, आध्रुवी भाग और ध्रुवी भाग, ठीक ना। तो इसको इसमें एल्किल समूह R एक लंबी श्रृंखला वाला समूह है, ये जल विरोधी तथा तेल स्नेही होता है। ध्रुवी भाग में इसमें उपस्थित कार्बोक्सिलेट आयन ध्रुवी होता है तथा ये जल स्नेही होते हैं। तो इस तरह से इसको दो भाग हो गए हैं, ये आध्रुवी और ये ध्रुवी। जब साबुन को जल में घोला जाता है तो RCO निगेटिव समूह कोलाइडी कणों के रूप में एकत्रित हो जाते हैं, जिससे कि ऋणावेशित कार्बोक्सिलिक आयन जल में संपर्क में रहते हैं तथा आध्रुवी एल्किल समूह जल से दूर रहते हैं। इस प्रकार के कणों को मिसेल कहते हैं। जब ये गंदे कपड़ों को इसमें डुबोया जाता है तो धूल मिट्टी के कण तेल चिकनाई आदि मिसेल में चले जाते हैं तथा जल के साथ वह बह जाते हैं तथा कपड़े साफ हो जाते हैं। ये क्वेश्चन पूरा हो गया पांचवा। अब छठवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो, दहन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण, संकलन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन, दोनों में से एक एक करके लिखना है। तो हमने जो यहाँ क्वेश्चन हल किया है ये दहन अभिक्रिया दहन अभिक्रिया किया है। दहन अभिक्रिया में देखो, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें दहन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, मेथेन को ऑक्सीजन के साथ जलाया गया, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊष्मा निकली। आप जानते हैं कि किसी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर मेथेन से जलाया गया, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकला। इस तरह से हम रिएक्शन लिख देंगे। ये जो दो नंबर के हैं, दो नंबर आपका पूरा मिल जाएगा। फिर दूसरा इसी पूछा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया आपको सब पढ़ाए गए हैं, तो यहाँ पढ़ दे रहे हैं, वह अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु या मूलक किसी दूसरे यौगिक के अणु से कोई मूलक या परमाणु पृथक करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। उदाहरण देखिए, कॉपर सल्फेट है, आयरन मिला दिए गए हैं, या ये क्या करेगा, ये कॉपर को हटा के आयरन यहाँ पर फिट हो जाएगा, मतलब अदला बदली कर लेगा, प्रतिस्थापित कर देगा। तो कॉपर सल्फेट आयरन के साथ रिएक्शन कराएगा तो फेरस सल्फेट बनेगा, कॉपर ये अलग निकल गए। तो इस तरह से ये दो नंबर ये पूरे आपको मिल जाएंगे। अब सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, निम्नलिखित पर संक्षिप्त
टिप्पणी लिखना है, सजातीय श्रेणी, सामान्यीकरण, उदासीनीकरण, एष्टीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ये जो पाठ है चौथा या पांचवा जो पाठ है इसमें हमने बताया है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्यीकरण, उदासीनीकरण, एष्टीकरण, करण में से दो जरूर पूछे जाएंगे, आप इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो इसको देखो हमने हल किया है, तो इसमें प्रश्न नंबर 7 है, ये सजातीय श्रेणी। तो सजातीय श्रेणी क्या होता है हम पढ़ देते हैं। समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों को उनके अणुभार के बढ़ते या घटते हुए क्रम में रखा जाता है तो एक श्रेणी बन जाती है, जिसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। सजातीय श्रेणी की विशेषताएं, आपको विशेषताएं भी लिखना है क्योंकि आपको दो नंबर चाहिए इस पर। तो नंबर 1, किसी सजातीय श्रेणी के सभी यौगिकों को एक ही सामान्य सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, जैसे कि पैराफिन हाइड्रोकार्बन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n+2 है, जहां n कार्बन परमाणुओं की संख्या है। नंबर 2, प्रत्येक यौगिक सजातीय श्रेणी के अन्य यौगिकों के सजातीय कहलाते हैं और वह अपने से अगले तथा पिछले सदस्य को CH2 का सामान्य अंतर रखता है। देखिए यहाँ CH4, C2H6, C3H8, C4H10, अगर एक दूसरे में अंतर देखा जाए तो CH2 का अंतर आएगा, इसी को हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। दूसरा है साबुनीकरण, दूसरा क्वेश्चन है इसी के अंदर कि साबुनीकरण। अब देखिए साबुनीकरण क्या है, हमने यहाँ पे लिख दिया है कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं। जब तेल अथवा वसा के सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो साबुन बनता है और यह क्रिया साबुनीकरण कहलाती है। यहाँ पे वसा लिए गए हैं ट्राई एस्टेरिन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराई गई है, ग्लिसराल बना। ग्लिसराल जो बना है ये सह उत्पादक है और साबुन यहाँ देखो बन के तैयार हो गया, जिसको हम सोडियम एस्टेरेट कहेंगे। ये साबुनीकरण की अभिक्रिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अवश्य देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उदासीनीकरण किसे कहते हैं। तो उदासीनीकरण देखिए अगले पेज पर हमने इसको लिखा, उदासीनीकरण तीसरा पॉइंट है। उदासीनीकरण इस तरह पॉइंट हम डालेंगे, उदासीनीकरण क्या है आप जानते हैं। उदासीनीकरण में अम्ल और क्षार मिलेंगे, लवण तथा जल बनेगा, उदासीनीकरण क्रिया है, वही चीज हमने यहाँ लिख दिया है। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं तो इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया, ये क्षार है NaOH और ये HCl से क्रिया कराई गई, लवण बन गया, पानी बन गया, इसी को उदासीनीकरण क्रिया कहेंगे। अगला चौथा देखो क्या है, एस्टरीकरण किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एस्टरीकरण, क्योंकि एक एक नंबर के पूछे हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं लिखना इसमें। एस्टरीकरण है, देखिए सांद H2SO4 की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्लों का अल्कोहल के साथ 140 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो जल तथा एस्टर बनता है। जल और एस्टर बनना ही एस्टरीकरण कहलाएगा, इस प्रकार की क्रिया को एस्टरीकरण कहेंगे। यहाँ देखिए एसिटिक एसिड है मतलब सिरका है, एथिल अल्कोहल मतलब शराब है, दोनों को सांद H2SO4 और 140 डिग्री सेल्सियस पर जब इसको गर्म किया गया तो एथिल एसिटेट बन गया, CH3COO C2H5 एथिल एसिटेट बन गया, पानी बन गया, इसी कारण इसको हम एस्टरीकरण कहेंगे। इस तरह हम इसको लिख लेंगे, एक नंबर का है, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं लिखना है। अब आइए ये जो है खंड बा पूरा हुआ, अब जीव विज्ञान का है और इसमें देखो एक अथवा करके दिया रहेगा तो हमने वहाँ पे कर दिया, तो अथवा हम यहाँ नहीं करेंगे। अगर वो आपको नहीं आता है तो इसको भी ये रिएक्शन है, आप इसको कर लेंगे, ठीक है ना। एथिल अल्कोहल को सांद सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 437 डिग्री ताप पर गर्म किया जाता है और एथिल अल्कोहल एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया कराई जाती है। एथेनॉल को क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। एसिटिक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ गर्म किया जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिटिक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट से क्रिया कराई जाती है और एसिटिक अम्ल में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है। ये जो 6 दिया है 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वहाँ आपको नहीं करना है तो कुल टोटल यही करना रहेगा अथवा में। इस तरह से आपको एक एक नंबर के हैं, 6 नंबर आपको मिल सकते हैं, अगर वो वाला आता है वो वाला कर दीजिएगा, नहीं तो आपको रिएक्शन कर देंगे। तो इस पर जो है आपको नंबर लेंगे, ये 6 जो है इसको आप रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं खंड गा पे, जो जीव विज्ञान के भाग हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा है, उत्सर्जन किसे कहते हैं। मनुष्य के उत्सर्जी तंत्र की नामांकित चित्र बनाना है, उत्सर्जन की परिभाषा लिख देना है और उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बना देना है, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। उत्सर्जन पर 1 नंबर है और चित्र पर 3 नंबर है। तो देखिए हमने इसको यहाँ हल किया है, ये देखिए प्रश्न उत्तर हम 8 लिखेंगे और उत्सर्जन, तो उत्सर्जन में देखिए ये है कि
शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने बेकार तथा हानिकारक नाइट्रोजनी युक्त पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। मतलब हमारे शरीर के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ बने हुए हैं उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाए, वही उत्सर्जन कहलाता है। और इसको निकालने के लिए विशेष तरह के अंग होते हैं। वैसे उत्सर्जन अंग तो कई हैं, लेकिन मुख्य रूप से वृक्क को माना गया है। तो मनुष्य में जो मुख्य रूप से उत्सर्जन अंग है वो वृक्क हैं, और जो पूरा सिस्टम बना हुआ है इसी को हम तंत्र कहेंगे, तो उत्सर्जन तंत्र। तो सवाल में पूछा है कि उत्सर्जन का तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, तो हमने देखो नामांकित चित्र बना दिए हैं। ये मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र है। ये देखिए, ये एक यहाँ से यहाँ तक है, इसको पृष्ठ महा धमनी कहेंगे। ये दूसरी धमनी आई है, इसको अग्र धमनी कहेंगे। ये वृक्क लगे हुए हैं, दो वृक्क, एक जोड़ी वृक्क होते हैं। वृक्क के ऊपर देखो ये अधिवृक्क ग्रंथि लगी हुई है, यहाँ भी अधिवृक्क ग्रंथि लगी हुई है, और यहाँ से जो ये अंदर जा रही है इसको वृक्क धमनी कहेंगे, फिर इसको वृक्क सिरा कहेंगे। धमनी से शुद्ध रक्त, सिरा से धमनी में शुद्ध रक्त, सिरा में अशुद्ध रक्त, ये आपको मालूम है बहता है यहाँ जाएंगे। ये इसमें नेफ्रान होते हैं, नेफ्रान, वही नेफ्रान जो है इसकी क्रियात्मक इकाई कही जाती है। वहीं पर पेशाब का छनन होता है, यूरिया वहीं पे छनती है। वो चीज़ यहाँ पे नहीं पूछा गया, आपको सिर पे बताना है कि मानव को उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बना देना है। यहाँ पे नामांकित चित्र बना दिया। नीचे देखो मूत्राशय है, ये मूत्र मार्ग है, और यहाँ से मूत्र वाहिनियाँ निकल के नीचे आई हुई हैं। और इसका जब हम सेक्शन काट दिए हैं तो देखो ये संरचना सब दिखाई दे रही है। इसी के अंदर पेल्विस है, मेडुला है, कॉर्टेक्स है, दिखाए गए हैं। बस आपको इतने बनाना है, आपको चार नंबर मिल जाएगा। अब नौवां क्वेश्चन है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, रेखा चित्र द्वारा समझाइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी चार नंबर का है। मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, चित्र द्वारा समझाइए। तो इसको भी देखो हमने यहाँ पे हल किया है, इसको आप देख लीजिए। ये इसी तरह से आपको बोर्ड में हल करने होंगे। ये देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो यहाँ पे लिंग निर्धारण का चित्र हमने बना दिया है। मनुष्य में लिंग निर्धारण, इसको हम पढ़ देते हैं। मैकलंग के अनुसार लिंग का निर्धारण गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। स्त्री में ये दो समान लिंग गुणसूत्र यक्ष यक्ष, लिंग गुणसूत्र यक्ष यक्ष, तथा पुरुष में यक्ष एवं वायु गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होते हैं। संरचना तथा व्यवहार में यक्ष तथा वायु गुणसूत्र ऑटोसोम्स से अलग होते हैं, इन्हें एलोसोम्स या लिंग गुणसूत्र कहते हैं। फिर देखिए ये देखिए पुरुष कोशिका है, ये नारी कोशिका है। पुरुष में यक्ष वाई होता है, नारी में यक्ष होता है। यहाँ से युग्मक निकले, यक्ष वाई, यहाँ यक्ष यक्ष, ये शुक्राणु है, अंडाणु है, फर्टिलाइज करेगा। फर्टिलाइज होने के बाद जयगुण बनेगा, जो बच्चा पैदा होगा। यक्ष यक्ष है तो लड़की है, यक्ष वाई है तो लड़का है, यक्ष यक्ष है तो लड़की है, यक्ष वाई है तो लड़का है। तो इस तरह से इसी का विवरण हम यहाँ पे लिख दिए हैं। इसको आप स्क्रीन शॉट लेके इसको पढ़ लीजिएगा, हम पढ़ेंगे नहीं, नहीं तो वीडियो लंबी हो रही है, देख लीजिएगा। अब अगला है, दसवां क्वेश्चन है कि बीजों के अंकुरण तथा उनके अंकुरण के प्रकारों का उदाहरण सहित स्पष्ट करो। तो बीजों का अंकुरण एक नंबर में, और जो प्रकार है तीन नंबर में यहाँ दिखाए गए हैं। तो इसको भी आप देख लीजिए, ये हमने हल कर दिया है। ये दसवां क्वेश्चन, बीजों का अंकुरण। तो बीजों का अंकुरण देखिए, बीज में भ्रूण निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। अनुकूल परिस्थितियाँ मिलने पर भ्रूण निष्क्रिय अवस्था में जागृत होकर सक्रिय अवस्था में आ जाता है और स्वतंत्र पौधे को जन्म देता है। इस क्रिया को अंकुरण कहते हैं। अब अंकुरण के प्रकार यहाँ दिखाए गए हैं। अंकुरण के जो प्रकार हैं, ये अधोभूमिक अंकुरण, ऊपरी भूमि अंकुरण, जरायुजी अंकुरण, यहाँ पे हमने बारी बारी लिख दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको देख लीजिएगा। अब आखिरी क्वेश्चन हम आते हैं, ये दीर्घ क्वेश्चन, बड़े से क्वेश्चन है जो 6 नंबर में पूछे जाते हैं। तो मनुष्य की आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए। अग्नाशय की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाकर इनके कार्यों का उल्लेख कीजिए। कह रहा मनुष्य का आहार नाल बनाना है, नामांकित चित्र बना देना है, और अग्नाशय की अनुप्रस्थ काट काटेंगे उसका चित्र बना के उनके कार्य लिख देना है। कहने मतलब है कि मनुष्य का केवल आहार नाल का चित्र बना देना है, अग्नाशय की अनुप्रस्थ काट का चित्र बना देना है, और अग्नाशय की जो कार्य है उसको लिख देना है। आप जानते हैं अग्नाशय में लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती हैं। लैंगरहैंस में अल्फा बीटा गामा कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसी में अल्फा से ग्लूकागन, बीटा से इंसुलिन, ये आप इसको लिख दीजिएगा। अथवा दिया है कि द्विसंकर संकरण का उदाहरण देकर स्वतंत्र अभिगम के नियम को समझाइए।
देखिए इसको बनाएंगे टाइम लग जाएगी, इसको बनाएंगे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो हमने जो यहाँ किया है दूध संकर संकरण का उदाहरण लेकर स्वतंत्र भोजन के नियम को हमने समझाया है, तो आप देख लीजिए इसका भी आप वो वाला भी हल कर सकते हैं, और अगर जो आपको अच्छा लगे वही हल करिएगा। तो यहाँ देखिए हमने ये ग्रामर क्वेश्चन हल किया द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण में ये पूछा है कि इसका उदाहरण दीजिए, द्विसंकर संकरण का उदाहरण दीजिए। तो द्विसंकर संकरण हम लिख के इसका उदाहरण दे दिए हैं। देखिए जब दो युग्म विकल्पी लक्षणों वाले पौधे में संकरण कराया जाता है तो उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। तो उदाहरण है बीजावरण का रंग तो पीला रंग और हरा रंग, और बीज का आकार गोल तथा झुर्रीदार, गोल बीज हो या टेढ़े मेढ़े बीज हो। फिर उसके बाद कह रहा है कि स्वतंत्र अभिगम का नियम को समझाइए। तो स्वतंत्र अभिगम के नियम में देखो हमने दिखा दिए हैं, ये पीला और गोल बीज लिए हैं या झुर्रीदार और हरे बीज लिए गए हैं, दोनों के युग्मक को निकाले गए, संकरण कराया गया, प्रथम पीढ़ी में सभी गोल तथा पीले तथा गोल बीज आ गए। अब इसमें हम स्वपरागण कराएंगे। स्वपरागण कराने पर एक तरफ मेल है एक तरफ फीमेल है, इसको रख के हम कोष्टक बना लेंगे और इसका संकरण इससे कराएंगे, इसका फर्टिलाइज इससे कराएंगे, इससे कराएंगे ये आएगा, इससे कराएंगे ये आएगा, इससे कराएंगे ये आएगा, इससे कराएंगे ये आएगा, फिर इससे कराएंगे ये आएगा, इससे कराएंगे ये आएगा, इससे कराएंगे ये आएगा। इस तरह से हम जो है इसको निकाल लेते हैं। निकालने के बाद यहाँ पर जब देखते हैं गौर करते हैं तो इसमें जो गोल तथा पीला तथा गोल बीज है 9 आते हैं, हरा गोल बीज 3 आते हैं, पीला झुर्रीदार 3 आते हैं, हरा झुर्रीदार 1 आते हैं। इस तरह से हम लिख लेंगे द्विसंकर संकरण में प्राप्त अनुपात होगा 9:3:3:1 के अनुपात में प्राप्त हो जाते हैं। अब इस तरह से देखिए ये पूरी कापी भर गई है। आपको अगर लंबा लिखेंगे तो बी कापी की जरूरत पड़ेगी, एग्जाम हॉल में आपको बी कापी